हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे साबूदाने की खीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी बनकर के तैयार हुई है। इसका टेक्सचर तो आप देख ही रहे ना कि हमारी जो खीर है कितनी क्रीमी बनी है। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी जो खीर है ना बिल्कुल ऐसे ही बनकर तैयार होगी, ना ही तो जलेगी और ना ही तो चिपकेगी। रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप साबूदाना, और बड़े वाले दाना होता है ना साबूदाने का, उससे खीर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये हम 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि साबूदाना को जब आप धोएंगे तो इसमें से सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलता है, वो स्टार्च होता है। इसे अच्छे से धोना है तब तक जब तक कि आपका पानी बिल्कुल क्लीन ना हो जाए। इस तरह से अगर आप साबूदाना की खीर बनाएंगे तो बर्तन में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और इसके बाद साबूदाना को अच्छे से धोने के बाद सारा पानी निकाल देंगे और इसमें हम 1 कप गुनगुना दूध डालेंगे और 1 घंटे के लिए इसे सोख होने के लिए रखेंगे। इससे जो हमारी खीर है ना उसका जो स्वाद है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। 1 घंटे के बाद देखिए साबूदाना ने किस तरह से दूध को सोख कर लिया है। आप चाहो तो पानी में भी साबूदाने को सोक कर सकते हैं, लेकिन दूध में सोक करने से ना खीर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लगती है खाने में। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और मध्यम आंच पर हम अपनी साबूदाना और दूध को रखेंगे। ये देखिए साबूदाना हमारा किस तरह से मैश हो रहा है। 1 घंटे हमने इसे गुनगुने दूध में फूलने के लिए रखा था ना सोख होने के लिए, इसकी वजह से साबूदाना बहुत अच्छे से अंदर तक गल गया है, यानी कि मैश होने लगी है। तो अब हम खीर बनाने के लिए 2.5 कप यानी कि 2.5 कप दूध डालेंगे। मैंने यहाँ पर गर्म करके दूध को ठंडा कर लिया है, वो डाला है। साबूदानों को सोक करने के लिए भी मैंने उबला हुआ दूध ही यूज किया था। और कंटिन्यूस यानी कि लगातार हम अपनी खीर को चलाते रहेंगे। हमने साबूदानों को पहले ही भिगो करके रख दिया तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा खीर को बनने में। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ना 7 से 8 मिनट के बाद कि जो साबूदाना है वो फूल गई और हल्की हल्की सी दूध हमारी गाढ़ी होनी भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए किस तरह से दूध हमारा गाढ़ा हो गया है और साबूदाना भी बिल्कुल डबल साइज के हो गए हैं, एकदम वाइट वाइट मोतियों की तरह साबूदाना हो गई है हमारी। कंटिन्यूस हम इसे चलाते रहेंगे। अगर आप इसे बीच में छोड़ करके हट जाएंगे ना तो आपकी जो खीर है वो नीचे चिपक जाएगी बर्तन में और फिर उसका स्वाद खराब हो जाएगा। देखिए दूध सूख करके आधा हो गया, तब हम इसमें 2 इलायची तोड़ करके डालेंगे या फिर आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में बारीक कटे हुए थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे, आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट डालिएगा। 1/2 कप हमने साबूदाना लिया है तो 1/2 कप ही हम इसमें चीनी डालेंगे मीठे के लिए। मीठा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, ना ही तो कम होगा और ना ही तो ज़्यादा होगा। चीनी को भी हम मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी केसर की धागे डालेंगे, इससे खीर में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर में देखिए हमने जो चीनी डाला था उसकी वजह से थोड़ा सा पतला हो गया था दूध, लेकिन फिर से गाढ़ी हो गई है। तो इस टाइम पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप खीर को गाढ़ा कर लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, फिर जो खीर का टेक्सचर है ना वो क्रीमी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठंडी होने के बाद ये और भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। खीर तो हमारी तैयार है। तो रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, गर्मा गर्म या फिर ठंडा करके आप इस खीर को खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। खीर को सर्व करने के बाद इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता और गुलाब के फूल डालेंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ऑल को भी क्लिक करें। थैंक यू।